नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला में आपको बता दें, मुहर्रम पर विभिन्न चौक चौराहों पर जुलूस निकाला जा रहा है, अखाड़ा लेकर पहुंच रहे हैं लोग। इस बीच आपको बता दें, तस्वीर जो देख रहे हैं ये दरभंगा के चंदनपट्टी चौक पर, जहाँ पर दरभंगा जिला के पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र रहती है। इस बीच आपको बता दें, शिव सिंहपुर, यहाँ पर अकबरपुर, रघुनाथपुर, जहाँ भी चंद्रपट्टी गांव के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जुलूस लेकर, और यहाँ हजारों की संख्या में लोग देखने वाले होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दो मंजिले मकान पर बैठकर लोग उस जुलूस को देख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ मेला भी लगाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। एक तस्वीर इसमें आई है जो काफ़ी झकझोरने वाली है। आपको बता दें, यहाँ पर जो अखाड़ा लेकर पहुँचते हैं लोग, ये पर्सनली झगड़ा पर उतर जाते हैं। और यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे ये खेलते खेलते एक लड़के के सर पर वार करने लगते हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि ये खेलने की चीज़ है, और अगर त्यौहार में लोग आ रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए कैसे यहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है, और ये पुलिस प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। पंचायत समिति चंद्रपट्टी के हैं यहाँ पर जो कादिर हैं, उन्होंने भी चिंता जताया है कि पर्सनल झगड़ा लोग करने लगते हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय है। सब्सक्राइब शेयर करिएगा, इंटरव्यू सुनाते हैं और तस्वीर देखते हैं। यही तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर झगड़े पर उतारू हो जाते हैं कुछ युवक, और युवकों के हाथ में काफ़ी यहाँ पर तेज धार जो हथियार रहता है, कृषि डंडा रहता है। तो ये चिंता का विषय है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए। इसके लिए असामाजिक तत्व, जो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे जुलूस में घुस जाते हैं, इनके ऊपर भी पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है पुलिस प्रशासन को भी, और अखाड़ा के जो अध्यक्ष होते हैं जो इसको नज़र पर रखते हैं, ऐसे लोगों पर नज़र रखना ज़रूरी है। आपको विशेष कवरेज हम दिखा रहे हैं चंदनपट्टी चौक से लेकर, विशेष कवरेज देखिए। देंगे ये हम पूरे प्रखंड वासी और पंचायत वासी को एक शुभकामना देना चाहेंगे कि आज अंतिम सोमवारी है और मुहर्रम की 9 तारीख आ जाए, कल मुहर्रम भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए सब आपस में एक लाख मोहब्बत के साथ अपना त्यौहार को मनावें और खुशी खुशी अपने पास रहें, यही शुभकामना हम दे रहे हैं। मुहर्रम पर्व है और खासकर जो मुहर्रम जुलूस निकलता है, लोगों को क्या शुभकामना देंगे, कैसे शांति वातावरण में मुहर्रम पर्व अपना मनाए लोग, इसके लिए क्या कहेंगे और क्या शुभकामना देंगे लोगों को? ये त्यौहार तो शांति अमन का है, शांति से आदमी जुलूस निकाले, शांति से जाए, एक दूसरे को नुकसान न पहुँचाएँ। हम तो यही बात कहेंगे सब लोगों को कि शांति से जुलूस लेकर जाएँ, जुलूस लेकर आएँ, एक दूसरे को नुकसान न पहुँचाएँ, आपस में इखलाक मोहब्बत के साथ जाएँ, और इखलाक मोहब्बत के साथ लाठी वगैरह खेल के अपना आवें, अपने घर पे आवें, सब लोग उसे मिले जुले, बस यही सब उसमें तो जी लिखा ही नहीं है। खास करके आज का दिन जो है, आज 9 मुहर्रम है, कल 10 मुहर्रम है, इसमें तो आदमी को रोज़ा रखना चाहिए, सही से जाना चाहिए, और एक दूसरे को भाईचारा बना के जाना चाहिए। कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक दूसरा मारपीट करे, वो उसको मारे, वो उसको मारे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये श्रद्धा का त्यौहार है कि आदमी आज के दिन रोज़ा रखे, कम से कम रोज़ा रखे आज या कल, और उसका शांतिपूर्वक लाठी खेले, जाए फिर आए। खासकर इसमें क्या महत्वपूर्ण क्या क्या होता है इसमें, खासकर अगर बात करें तो? इसमें महत्वपूर्ण ये हसन हुसैन के समय में वो जो पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, उसी हिसाब से इसको मनाया जा रहा है। ये एक तरह से गमी का त्यौहार है, ये करबला में हुआ था, उसमें शहीद हुए थे, उसी के एवज में मनाया जा रहा है ये त्यौहार। कैसा लग रहा है आज फिर से, अभी त्योहारों का मौसम आ गया, अभी बकरीद आप लोगों ने मनाया, फिर अभी मुहर्रम है, कैसा लग रहा है? मतलब जो त्यौहार है, मतलब अभी पहले के त्यौहार में और अभी के अंतर अंतर कुछ लग रहा है, या वैसे ही चल रहा है अभी महंगाई को लेकर या फिर और कुछ? अरे महंगाई तो कर्म सीमा पर बढ़ा हुआ है हर एक चीज़ का, उसके लेकर पर्व त्यौहार में आदमी लोगों को बहुत कठिनाई दिक्कत भी हो रहा है। मान जो सामान मिलता था 10 रुपये, आज 20 रुपये में मिल रहा है, हर एक चीज़ महंगाई बढ़ गई है, आमदनी आदमी के पास है नहीं, इसकी वजह से भी आदमी परेशान है, लेकिन फिर भी उसी में झेल रहे हैं, किस तरह से अपने परिवार को चला रहे हैं। 2 साल कोरोना में चला गया, इस बार अच्छे से लोग मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? जब तो जब आप गए हैं कि नहीं जुलूस में? जी हम जुलूस के साथ सुबह गए थे, आप फिर आए हैं, फिर कल भी जाएंगे। खेलते भी हैं या जाते ही? खेलते हैं, लेकिन हम अभी बर्थ में हैं, खुद बर्थ में हैं, इसलिए इस मरतबा नहीं खेले हैं, खेलते हम भी हैं, लेकिन हम बर्थ में हैं,
इसलिए नहीं खेले हैं, कल खेलेंगे। खेलने वाले के जहन में क्या होता है उस समय में, अगर या लाठी लेके चले या तलवार लेके चले तो क्या जहन में क्या होता है, क्या याद करते हैं लोग? या फिर अभी तो वो जो हुसैन साहब थे, अली साहब थे, उनके लिए खेला जाता था, खेलते थे, लेकिन अभी आदमी बदला के भावना से खेलते हैं। कोई तरह की बदला किसी के दिमाग में रहता है कि हम, मान लिया उस समय मेरे साथ ये हुआ था तो आज इस समय उससे बदला ले लें। आदमी के दिमाग में बदला का भावना है, ये आ गया है, लेकिन ये आ गया, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना, क्योंकि हमने भी एक फुटेज देखा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर लाठी बरसाने लगे। ये खेलना एक अलग चीज होता है, लेकिन किसी के सर पे मारना या किसी के ऊपर हमला कर देना, बदला का भावना, ये कभी किसी के साथ कुछ हुआ होगा उसको बदला का भावना के हिसाब से, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है ना, क्योंकि सबके हाथ में कल हो के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबके हाथ में औजार रहता है, सबके हाथ में हथियार रहता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है भाई भाई मर्डर हो जाए, ये चिंता लग रहा है आपको। तो ये प्रशासन को कितना इसके ऊपर गौर करने की बात है, प्रशासन को कितने मुस्तैद रखने की बात है? प्रशासन तो मुस्तैद था ही, आज भी था मुस्तैद, कल भी रहेगा ही, लेकिन प्रशासन के साथ साथ हम लोग प्रशासन का सहयोग करेंगे तब ना प्रशासन कुछ कर पाएगी। अच्छा, असामाजिक तत्व भी घुस जाते होंगे इसमें, ऐसे में? ना, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, घुसने का कारण वही है कि वो लोग घुसता है तभी बात बढ़ता है। अच्छा, जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर नकेल कसने की भी जरूरत है ना, अगर जैसे आपने अभी कहा ना कि जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए चिंता का विषय कि वो किसी को मार सकते हैं या किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो ये असामाजिक तत्व ही हो सकते हैं। इसलिए प्रशासन को हम कहेंगे प्रशासन सतर्क रहे कम से कम। क्या नाम है पूरा? आधा घंटा तेरह तारीख को 10 तारीख को।